नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस एम फॉर यू इंडियन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जोमेटो IPO का कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। और डिटेल वही आप सबको पता है कि जो इम्पोर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए, वो मैं डिटेल आप सबके सामने रखता हूँ। बता दें, कल के टाइम GMP का स्टेटस अपडेट हुआ है और सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जो नहीं देखा वो जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकता है। और साथ ही इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर हमसे जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड लिंक से इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं हमसे। इस चैनल पे न्यूज़, IPO और टिप्स के रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी बिगिनर के लिए सीरीज स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्द ही बिगिनर के लिए सीरीज स्टार्ट होने वाला है। कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं, IPO कैसे बुक करते हैं। अभी फ़िलहाल IPO पे ही वीडियो आ रहे हैं, क्योंकि IPO 2021 में हमको ज़्यादा IPO देखने के मिल रहे हैं, इसलिए हम IPO वीडियो बना रहे हैं, जल्द ही आने वाला है। तब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं जोमेटो IPO का डिटेल के बारे में। ये है जोमेटो IPO। सबसे पहले बात कर लें, ये 2010 में इनकॉर्पोरेट हुआ था जोमेटो लिमिटेड के नाम से, मतलब 2010 में शुरुआत हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट, ये काम क्या करती है? जैसे कि दिख रहा है कि लीडिंग ऑनलाइन फूड सर्विस प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड। और साथ ही बता दे कि ये B2C ऑफरिंग करता है फूड डिलीवर के। B2C क्या होता है? B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। और इनका जो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट है, ये कई सारे हैं, जैसे फूड डिलीवर, डाइनिंग ऑर्डर सर्विस, कस्टमर कैन सर्च एंड डिस्कवर रेस्टोरेंट, ऑर्डर फूड डिलीवर, बुक ए टेबल एंड मेक पेमेंट डाइनिंग ऑर्डर रेस्टोरेंट वाइल अंडर द B2C सेगमेंट में ये सब आते हैं। मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ, आप भी एक बार देख लीजिएगा। ऐसे भी मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ। और वैसे सबसे एडवांटेज इसकी चीज़ क्या है, ये सब जानते हैं, मतलब जितने भी सारे इन्वेस्टर हैं, ऑब्वियसली इन्वेस्टर ही कहेंगे, शेयर मार्केट की वीडियो बनाते हैं तो हम उसी में सब जानते हैं। जोमेटो का जो काम होता है, फूड डिलीवरी का काम होता है, और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है फूड डिलीवर का। हमें एडवांटेज मिल सकता है इनके लिस्टिंग डेट पे, जब IPO हमें अलॉट होगा, जब लिस्टिंग होगा, तो इस पे एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे मान लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो लाइन हमें देखने को मिली है, वो सप्लाई फॉर हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट एंड किचन प्रोडक्ट रेस्टोरेंट। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये देखने को मिला है कि 31 दिसंबर 2020 में ये दो जो हमारे पास डेटा है, 31 दिसंबर 2020 में, मतलब एक साल का जो डेटा है वो बताया गया है, 23 कंट्री में ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने कंपनी को, स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। और बता दें कि इनके एक्टिव फूड डिलीवरी जो स्टूडेंट हैं, उनके 131,233 है, और एक्टिव डिलीवरी जो पार्टनर हैं इनके जोमेटो का, वो 161,637 है। और ये मंथली एवरेज जो कस्टमर को अपना फूड डिलीवर करते हैं, वो 10.7 मिलियन, एक मंथ में 10.7 मिलियन कस्टमर को फूड डिलीवर करते हैं। अब यही नज़र डाल लेते हैं इनके पे स्ट्रॉन्ग, जो इनके स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, क्या क्या पॉइंट है जो इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। पहला जो दिख रहा है, लीडिंग फूड सर्विस डिलीवर प्लेटफॉर्म, ये हम लोग आगे भी देखे थे, ये सबको पता है, नॉर्मली सबको पता था, पता भी है भी कि ये फूड डिलीवर का इनका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एडवांटेज है। जोमेटो या स्विगी भी आने वाला है IPO में, अभी इसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, और फिर लिस्टिंग भी नहीं, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। जैसे ही आएगा हम तुरंत आप लोग को बताएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरा जो हमें देखने को मिला है, रिकॉग्नाइज कस्टमर ब्रांड क्विटी एक्सेस इंडिया। तीसरा जो है, जो इनका नेटवर्क है वो काफ़ी कंट्री में, काफ़ी शहरों में फैला हुआ है। अगर ये चौथा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की बात कर लें, तो इनका जो नेटवर्क है, अभी मैंने देखा था कि इनका इतना एक्टिव फूड डिलीवर है और इतना इनका डिलीवर पार्टनर है। अब साथ बात कर लेते हैं इनके सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, जो सबको लगता है, वो इनके फाइनेंशियल का। अगर ये देखना चाह रहे हैं कि कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी का प्रमोटर ये दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एरिया का, इनका टोटल एसेट कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना किए हैं, टोटल टैक्स कितना हुआ है, मतलब प्रॉफिट एंड टैक्स। बात कर लेते हैं, पहले बात ये मिलियन में है, और इनका 19-20-21 में है। बात कर लेते हैं इनकी संपत्ति कितना है, संपत्ति इनका इतना है, मैं हेडिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, 34,134 लगभग में बात करेंगे, उसके एक साल बाद 29,003, उसके एक साल बाद 87,034। अगर हम देखें दो साल पे, तो इनकी संपत्ति सीधे दोगुना होने के देखने को मिली, दोगुना से ऊपर होने के देखने के मिल रही है।
अगर ये बात करें इनका रेवेन्यू टोटल कितना जनरेट किए हैं, तो 19 में इतना था, 2020 में इनका रेवेन्यू इतना था और 2021 में इनका रेवेन्यू इतना था। बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट एंड टैक्स के बारे में। इनका 2019 में इतना था और 2020 में इतना था और 2021 में इतना था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने का? इनका ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी बात, ये आईपीओ जो लाने ऑब्जेक्टिव सबका शेयर में लिस्टेड होने का, जो बीएससी एनएसईस पे लिस्टेड होने का इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि इनके पे शेयर ये बाज़ार में लिस्ट हो और इनके पे पैसा लगाया जाए। और इनके डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जोमेटो आईपीओ डिटेल्स का जो ओपनिंग डेट है वो 14 तारीख को रखा गया है और क्लोजिंग जो है वो 16 तारीख को रखा गया है। इसमें लास्ट में हम बताएंगे आपको कि इस आईपीओ में क्या निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये लास्ट में हम आपको बता देंगे बातों बात में। इसका जो फेस वैल्यू रखा गया है 1 per equity रखा गया है और जो प्राइस रखा गया है 72 से 76 है। 76 इसका कट ऑफ वैल्यू है। अगर जो मार्केट लॉट इसका है 195 शेयर रखा गया है। ऑर्डर क्वांटिटी जो रखा गया है 195 शेयर रखा गया है। अभी लिस्ट ये बीएससी पे होगा, अभी एनएससी पे मेंशन नहीं होगा, ये अभी अपडेट होगा। इशू साइज जो रखा गया है 9375 और जो फ्रेश इशू रखा गया है वो 9000 रखा गया है। ऑफर फॉर सेल जो रखा गया है 375 जो कि कम है। अब इसमें देखना पड़ेगा कि कस्टमर के लिए कितना है, मतलब इन्वेस्टर के लिए कितना है, एनआईआई के लिए कितना है और ओआई के लिए कितना है, इसमें देखना पड़ेगा। मान के चल सकते हैं, अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो कम से कम मान के चल सकते हैं, मान सकते हैं जो ऑफर फॉर सेल रखा गया है कस्टमर के लिए वो 30 से 35% के बीच में वेरी कर रहा है। अब देख लेते हैं इनके और डेटा के बारे में। इनका आईपीओ डेट 14 को आएगा, क्लोजिंग इनका 16 को है। अगर अलॉटमेंट डेट 22 तारीख को, जब जो कि सबसे लंबा प्रोसेस है इनका, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उसके अगले दिन मतलब 23 तारीख को अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में, मेन अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। अगर अलॉटमेंट आपको मिल गया है तो 26 तारीख के आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और 27 तारीख को वो लिस्ट हो जाएगा। इसका जो मिनिमम लॉट रखा गया है 1 और जो शेयर रखा गया है 195, जो अमाउंट है 14,880, मिनिमम मैक्सिमम 13 रखा गया है, जो कि शेयर इतना है और अमाउंट जो कि इतना रखा गया है। मैक्सिमम में 2 जाइएगा और मिनिमम में 1 जाइएगा। अगर मेरे हिसाब से इसके रेटिंग के लिए बात करें तो कम से कम मान के चलिए हम 4.5 के लिए इसका रेटिंग देंगे। और इसका सब्सक्रिप्शन देख के जब ये लिस्ट होगा, मतलब जब इसका बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा, तब इसका सब्सक्रिप्शन देख के आप लोग अलॉट अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें भी 3 दिन का समय मिलता है। तो जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि हमके ईयर टू ईयर बेसिस पे जो इनका रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट एंड टैक्स है, दोनों घटते हुए दिख रहा है। क्योंकि 31 दिसंबर 2020 में इनका जो प्रॉफिट था इतना था और वहीं 2021 में इनका प्रॉफिट घट के इतना हो गया है। अगर बात करें रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू भी घट के इतना हो गया है, जो 2020 में इतना हो गया है और 2019 में इतना था। टोटल एसेट इनका बढ़ते ही जा रहा था, मतलब देख सकते हैं। इसलिए आप लोग सब्सक्रिप्शन देख के आप लोग इस कंपनी में अप्लाई करिएगा। अभी के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कंपनी बढ़िया है, एडवांटेज आपको प्रॉफिट में मिल सकता है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।